एक ओर पाकिस्तान सीमा से भारी गोलीबारी कर हमारे सैनिकों और आम जनता को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में पैदा होने वाला तरबूज पाकिस्तान जाकर वहां के लोगों की जुबान में मिठास घोल रहा है। आपको बता दें कि कन्नौज के गंगा कटरी में होने वाले रामधारी तरबूज की सबसे ज्यादा खपत पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में है। कन्नौज से हर दिन सैकड़ों क्विंटल तरबूज दिल्ली के रास्ते वहां तक पहुंचता है। हालांकि किसानों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने गोलीबारी बंद नहीं की तो वे फिर तरबूज पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। ये तरबूज बहुत मीठा होता है, बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। कहाँ का जाता है ये? ये देश विदेशों में भी चला जाता है, राज्यों में जाता ही है, विदेशों में जाता है, पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान लाहौर जैसे। लेकिन हम उनको मीठा तरबूज खिलाते हैं, वो हमें हमारे सैनिकों पर मुठभेड़ करके गोलीबारी करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उनको अगर ऐसा करेंगे तो ये मीठा तरबूज नहीं मिलेगा। हर साल जाता पाकिस्तान? हाँ, हर साल जाता। वहीं किसानों का मानना है कि इस तरबूज की फसल में उन्हें काफी मुनाफा भी होता है। ये सबसे सस्ती फसल होती है, ये किसानों को बहुत लाभ देती है। ये करीब 2 एकड़ में 10,000 रुपये लागत आती है और 60,000-70,000 रुपये में बिकती है। ये बहुत मीठा तरबूज है। पाकिस्तान ही नहीं, कन्नौजी तरबूज की मांग बुंदेलखंड से लेकर कानपुर तक है, और तरबूज की खेती से कटरी इलाके के गांवों के हजारों लोगों की बेहतर आमदनी हर साल होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट।